उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के कपाट मंगलवार यानी आज सुबह से खुल गए हैं। इस दौरान हजारों श्रद्धालु मौके पर मौजूद रहे। पूरा केदारनाथ धाम हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। इस खास मौके पर मंदिर परिसर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया। मंत्रोच्चारों और आर्मी बैंड के मधुर धुनों के साथ भगवान केदारनाथ के कपाट सुबह 6:20 पर खोले गए। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी जगत गुरु रावल भीम शंकर लिंग शिवाचार्य ने कपाट खोले। मंदिर के कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। आज परम्परा के अनुसार हमने कपाट 6:20 खोल दिया गया है। सारा यहाँ तो आए हुए लोगों को अभी स्पर्श करके दर्शन तो होगा ही होगा। जो नहीं वो आ सके हैं वो दृश्य ये माध्यम से देख करके आपका जीवन कृतकृत्य हो। श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। चार धाम की यात्रा के लिए उत्तराखंड की सरकार ने श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो श्रद्धालु हरिद्वार के बस स्टैंड के पास जीरा पर्यटन केंद्र पहुंचकर भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक चार धाम यात्रा के लिए अब तक 13 लाख से भी ज्यादा यात्री अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। अगर आप भी केदारनाथ घूमना चाहते हैं तो IRCTC आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया है। अब आप हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का नाम हेली यात्रा रखा गया है, जिसके जरिए यात्रियों को हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचाया जाएगा। हेलीकॉप्टर की सुविधा सेरसी, फाटा और गुप्तकाशी से शुरू की गई है। राहत की बात यह है कि केदारनाथ के लिए ये हेलीकॉप्टर यात्रा आपको बेहद सस्ती पड़ेगी। 1 मई से 7 मई के बीच यात्रा करने के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम के लिए इस बार 9 हेली सेवाएं उड़ान भरेंगी। ये हेली सेवाएं 25 अप्रैल यानी आज से संचालित होंगी। इस बार 90% टिकट ऑनलाइन बुक होंगे। यात्री IRCTC की वेबसाइट heliyatra.irctc.co.in पर अपनी हेली टिकट बुक करा सकते हैं।